हेलो एवरीवन, आज अपना स्टार्ट करेंगे हम कांस्टेंट मोशन का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? कांस्टेंट मोशन के टाइप, इस टाइप का कुछ बताया था और इसको मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक, देखते हैं फिर हम कहां से स्टार्ट किए थे। यहां से अपना कांस्टेंट मोशन, ये तो अपना सेकेंड पेज है क्या? हाँ, कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से बताया था, कांस्टेंट मोशन। फिर सेकेंड टॉपिक था कांस्टेंट मोशन के टाइप्स, तो ये टू टाइप्स के थे, स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन और वेज कांस्टेंट मोशन। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन। ऐसा कांस्टेंट मोशन जिसमें स्ट्रिंग इंक्लूड होता है उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन कहते हैं। और उसमें मैं स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टी बताया था। पहला था क्या कि वो स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब यदि मैं रस्सी को खींचूंगा तो रस्सी नहीं बढ़ेगी, स्ट्रिंग नहीं बढ़ेगा। फिर क्या था आपका तीसरा, टेंशन। जैसी बात है कि यदि रस्सी टाइट होगा तो उसमें टेंशन आएगा ही आएगा। उस टेंशन की कुछ प्रॉपर्टी थी और उसका कुछ नेचर भी था। तो उसका प्रॉपर्टी क्या क्या डिफाइन किया गया और कैसे डिफाइन किया गया है, किसमें क्या क्या होता है, तो अभी मैं टेंशन के डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग होता है और उसका नेचर क्या होता है, हमेशा पुल करने का। स्ट्रिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा पुल करता है ना कि पुश करता है। ठीक, फिर अगला मैं क्या देखा था, फॉर्मेट्स ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन, फर्स्ट फॉर्मेट, सेकेंड एंड थर्ड। और मैं स्टार्ट किया था अभी आपका फर्स्ट फॉर्मेट। ये रहा फर्स्ट फॉर्मेट, इसमें मैं क्या बताया था कि यदि अपना स्ट्रिंग टाइट हो तो, टाइट हो अपना स्ट्रिंग, ये टाइट है और मैं इस स्ट्रिंग पे टू पॉइंट्स लिया था, ए और बी। और यदि ये स्ट्रिंग टाइट है तो मैं क्या बोला था, यदि ये आपका स्ट्रिंग मूव करेगा या तो मूव करेगा, मूव करेगा तो उस कंडीशन में पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। यही मान लो आपका स्ट्रिंग है, ये पॉइंट ए है और ए बी, मैं टाइट खींचा हुआ हूं और फिर भी चल रहा है, तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस वेरी कर रहा है, क्या नहीं वेरी कर रहा है, मींस कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहेगा। फिर उसके आगे मैं क्या बताया था कि सपोज इस मैं पॉइंट को बी वन से खींच रहा हूँ स्ट्रिंग से थीटा वन एंगल बनाते हुए, और बी पे बी टू से खींच रहा हूँ स्ट्रिंग से थीटा टू एंगल बनाते हुए, सॉरी थीटा टू एंगल बनाते हुए, तो इस स्पीड की वजह से अलोंग द स्ट्रिंग पॉइंट ए पे स्पीड क्या आएगा, बी वन कॉस थीटा वन, और इस स्पीड की वजह से पॉइंट बी पे अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड क्या आएगा, वी टू कॉस थीटा टू। और मुझे पता है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अपनी स्ट्रिंग भी टाइट है। तो खुद सोचो कि इसको यदि मैं भी वन स्पीड से खींच रहा हूं तो क्या है, भी वन स्पीड से जाएगा क्या, मीन्स जो स्पीड इस पॉइंट पे है वो भी स्पीड इस पॉइंट पे रहेगा, मतलब पॉइंट ए पे स्पीड जितना होगा पॉइंट बी पे भी उतना स्पीड होगा बट अलोंग द स्ट्रिंग। तो मैं क्या लिखा था इसको, वी वन कॉस थीटा वन बराबर वी टू कॉस थीटा टू लिखा था, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराया था इस प्रॉपर्टी को लेके कि अलोंग द स्ट्रिंग इच पॉइंट पे स्पीड सेम होता है। फिर क्वेश्चन क्या था पहला, उसमें का पहला क्वेश्चन आपका ये था जिसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, इसका स्पीड कुछ लिया था मुझे डेटा नहीं पता क्या लिया था, और इस दूसरा क्वेश्चन ये था यहाँ पे भी मैं स्पीड लिया था, इसमें पूछा था, इसमें मैं पूछा था कि इस ब्लॉक का स्पीड क्या होगा, और इसमें भी यही पूछा था इस ब्लॉक का स्पीड क्या होगा।
अब फर्स्ट फॉर्मेट का कुछ क्वेश्चन मैं कर देता हूं एक बार ताकि रिकैप हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है क्या फर्स्ट फॉर्मेट का आपका? ये आपका रॉड है और ए रॉड आपके दो वाल्स के बीच मैं फिक्स कर दिया हूं, और इस रॉड पे अपना रिंग है और रिंग से मैं एक स्ट्रिंग को बांध के एक ब्लॉक लटका दिया हूं। और क्वेश्चन ये है कि यदि इस ब्लॉक को मैं 10 मीटर सॉरी फिर इसको मैं खींच रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि ए रिंग इस रॉड पे किस स्पीड से आगे बढ़ेगा? तो फिर सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट फॉर्मेट के थ्रू ही हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो आइए करते हैं। और एक बात और मैं बता चुका हूं कि हमेशा एक्चुअल का कंपोनेंट लेते हैं, तो एक्चुअल में रिंग जा किधर रहा है? इधर जा रहा है। तो आपका ए स्ट्रिंग का वह पॉइंट जो इस रिंग से बंधा है वीवी से इधर जाएगा, तो इसका मैं कंपोनेंट किधर लूंगा? अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा आपका? वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा मतलब इस पॉइंट का अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड इतना आ गया वी कॉस थीटा, चूंकि ये स्ट्रिंग के अलोंग लिया हूं और यहां पे स्ट्रिंग के अलोंग इस पॉइंट का स्पीड कितना है इस पॉइंट का आपका 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये क्या शो कर रहा है 10 मीटर, वो आपका इधर ये स्पीड इसके स्पीड के बराबर होगा v cos थीटा के बराबर, तो आपका v कितना आ गया 10y cos थीटा मीटर पर सेकेंड। मैंने थीटा नहीं दिया था तो अभी यही लिखेंगे, थीटा का मान रख लेना होगा तो आपको रख लेना, 30 डिग्री 45 डिग्री जो कुछ भी आएगा यहां से आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट फॉर्मेट का यूज किया ना, अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड निकाला यहां से, और स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे स्पीड सेम होता है तो जितना इसका स्पीड होगा उतना इसका भी स्पीड होगा, बराबर होंगे, तो मैं यहां से भी फाइंड कर लिया। अब आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन ये है आपका, ये रॉड है आपका रॉड, रॉड पे एक मैं मूवेबल मैं बीड बना हूं, ये आपका बीड है, मूवेबल बीड है मतलब इस पे स्लिप कर सकता है, और इससे मैं एक ब्लॉक इधर बांधा हूं एक ब्लॉक इधर बांधा हूं, और ये दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है, ए स्ट्रिंग इससे बंध गई है और ये वाली स्ट्रिंग आके यहीं पे बंध गई है, मतलब दोनों अलग अलग स्ट्रिंग हैं। इसको मैं खींच रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से, इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से, और इधर मैं दे दूं आपका इधर थीटा आपका 45 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा? देखते हैं फिर फर्स्ट फॉर्मेट का है क्वेश्चन, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। मैं फर्स्ट सबसे पहले क्या करूंगा, इस बीड का स्पीड मान लूंगा, इधर आपका वी है मैं मान लिया वी, इधर वी दिया हूं तो इसको मैं क्या ले लूं वी डैश ले लिया। अभी मुझे पता है 10 मतलब इस स्ट्रिंग का ए पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो क्या ए पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है क्या? तो मैं इसके स्पीड को वी डैश जो लिया हूं ये भी वी डैश होगा, इस पॉइंट पे भी स्पीड आपका वी डैश ही होगा, और ये भी एंगल कितना होगा आपका थीटा है 45। तो अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा,
स्पीड इसका आपका v डैश cos थीटा कितना है 45, तो v डैश cos 45 इस टेन के बराबर होगा, तो वहां से मुझे v डैश निकल जाएगा। तो देखते हैं आपका आ रहा है v डैश cos 45 इक्वल टू 10, तो यहां से v डैश आपका निकल जाएगा 10 y cos 45, तो कितना है आपका 10 1 by root 2 मतलब root 2 meter per second, means इस स्पीड का स्पीड कितना आ गया आपका 10 root 2 meter per second। अब इस स्ट्रिंग के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मुझे फाइनली पूछा गया है कि इस ब्लॉक का स्पीड क्या होगा। तो देखो इस स्ट्रिंग का ए पॉइंट, ए वाला पॉइंट, ए भी क्या वी डैश से भी चल रहा होगा, क्या वी डैश से ही चल रहा है। अब देखो इसको ऐसे मैं कर दूं यहां से, सॉरी उधर थीटा में 45 दिया था, इधर में थीटा नहीं दिया था, इधर मैं ले लूं 30 डिग्री। तो क्या ए भी आपका 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो इस स्ट्रिंग को अलोंग स्पीड क्या होगा, ए आपका वी डैश कॉस 30, वी डैश तो मुझे पता हो गया ये 30, तो भी 30 होगा आपका, तो अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड क्या होगा वी डैश कॉस 30, और किसके बराबर होगा वी के बराबर होगा। तो इसको देखते हैं, तो ये आपका क्या आ रहा है, आपका वी बराबर यहाँ का वी, मतलब अब इस स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो इस स्ट्रिंग के स्पीड, इस बीड का स्पीड, या ऐसे बोलेंगे इस स्ट्रिंग के लॉन्ग स्पीड क्या है, तो वी डैश कॉस 30, तो आपका वी निकल गया। फिर वी डैश का मान कितना है, वी डैश 10 रूट टू, और कॉस 30 cos 30 root 3 by 2, तो कितना आ गया 5 root 6 meter per second। इस ब्लॉक का स्पीड कितना आया अभी, इस ब्लॉक का स्पीड आपका आ गया 5 root 6 meter per second, यही आपका फाइनल आंसर है। मुझे ए दिया था और इसका पूछा था, और क्या बताया था क्वेश्चन में कि ये बीड जो है आपका मूवेबल है, इस पर स्लिप कर सकता है, तो मैं इस बीड के स्पीड को वी डैश मान लिया, ये आपका 45 और इधर 30 दिया ही है, तो क्या ए इस स्ट्रिंग का ए पॉइंट भी क्या जो अटैच्ड पॉइंट है भी वी डैश चल रहा होगा, तो अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड सेम होगा ना, तो वी डैश कॉस 45 अलोंग द स्ट्रिंग ए, और इसके बराबर होगा फर्स्ट फॉर्मेट से, तो ये बराबर उसके, तो मैं ऊपर पहला फॉर्मेट है था आपका वी डैश कॉस 45 इक्वल टू 10, तो यहाँ से मुझे वी डैश निकल गया, वी डैश में क्या बीड का स्पीड, तो बीड का स्पीड निकल गया, तो क्या ए सेकेंड वाला स्ट्रिंग का ए भी पॉइंट ए भी वी डैश से चल रहा होगा, तो ए लॉन्ग द स्ट्रिंग में इसका कंपोनेंट लूंगा, तो क्या आएगा आपका वी डैश कॉस 30, और ए स्पीड इसके बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग इच पॉइंट पे स्पीड सेम होता है, तो मैं क्या कर दिया वी इक्वल टू वी डैश कॉस 30 किया हूँ इधर, वी इक्वल टू वी डैश कॉस 30, और यहाँ से मुझे फाइनली इसका भी निकल गया 5 root 6 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं एक और क्वेश्चन है, कर दूं इसको, एक और क्वेश्चन है छोटा सा,
यही है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन यही है आपका कि आपका वाल है, वाल से एक रॉड लगा है, रॉड ले लो या स्टेयर सीढ़ी, ए इसके साथ थीटा एंगल पे झुका है और इस रॉड को इधर मैं खींच रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन ये है कि ए रॉड, रॉड के इस पॉइंट का स्पीड क्या होगा अलोंग द वॉल, मतलब किस स्पीड से नीचे गिरेगा, मैं मान लिया वी। क्वेश्चन है कि कितना होगा, आइए इसको भी देखते हैं। इस पॉइंट पे स्पीड 10 है तो अलोंग द रॉड स्पीड कितना होगा, ये भी थीटा, तो अलोंग द रॉड स्पीड कितना होगा आपका 10 cos थीटा अलोंग द स्ट्रिंग। और यहाँ पे यदि इधर मैं मान लिया कि V से गिरा है तो अलोंग द स्ट्रिंग कितना होगा, ये आपका थीटा है 90, तो कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड कितना आएगा आपका V cos 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो कितना होगा अलोंग द रॉड V cos 90 माइनस थीटा, रॉड लूँ या तो स्ट्रिंग, तो रॉड भी क्या, यदि ए पॉइंट आपका मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो ए भी पॉइंट 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा क्या, चलेगा ही, तो फिर कैसे होगा, मींस ए स्पीड इसके बराबर है तो क्या लिखूंगा मैं v cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 cos थीटा, तो v 90 माइनस थीटा मींस sin थीटा इज इक्वल टू 10 cos थीटा, तो मुझे v चाहिए तो v का मान कितना आया 10 cos थीटा by sin थीटा मींस व्हाट 10 cot थीटा मीटर पर सेकेंड आंसर। इस प्रकार मैं फर्स्ट फॉर्मेट का लगभग 3-4-5 क्वेश्चन करा चुका और मुझे लगता है कि अब आप सबको फील आ जाना चाहिए फर्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। अब देखते हैं आपका सेकेंड फॉर्मेट, सेकेंड फॉर्मेट पे अब चलते हैं, सेकेंड फॉर्मेट आइए, सब हो गया आपका, अब आता है आपका सेकेंड फॉर्मेट मेट, तो सेकेंड फॉर्मेट अब पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मेट तो बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, बहुत एग्जांपल कराया और क्वेश्चन ही बहुत कराए, अब देखते हैं आपका सेकेंड फॉर्मेट, देखिए फिर ये आपका पुली है, पुली और ये आपका ब्लॉक, इधर एक ब्लॉक भी, अभी ये पुली आपकी रेस्ट में है, अभी आपकी पुली रेस्ट में है और ये चल रहा है वी ए स्पीड से ऊपर और ये भी वी से नीचे, एक पुली से दो ब्लॉक ऐसे जुड़े हुए हैं, एक ऊपर चल रहा है वी ए से और एक वी बी से। अब इसको देख कौन कौन रहा है, एक ऑब्जर्वर जो है एक अर्थ से ग्राउंड से देख रहा है इस सिस्टम को और एक पुल्ली से देख रहा है, तो इस समय इस कंडीशन में जब पुली रेस्ट में है, जब पुली रेस्ट में है तो यहां पे क्या, इस ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक का स्पीड ऊपर है और इसका नीचे इसके लिए, और इस ऑब्जर्वर के लिए भी वही सीन है, ये देख रहा है कि ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। अब दूसरा केस देखते हैं, ये आपका पुली और ये ब्लॉक एक ए और ये ब्लॉक बी, और इस समय आपका है पुली वीपी, स्पीड ऑफ पुली वीपी मतलब पुली अभी चल रही है और ये ऊपर से चलेगा
चल रहा है और एक ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इसको देख रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, दोनों ऊपर जा रहे होंगे। तो मैं इसका मान लिया कि इसका स्पीड है आपका VA और इसका VB। ये VA और VB किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है। अब एक ऑब्जर्वर यहां है जो पुली पे है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए क्या पुली रेस्ट में है क्या? हाँ रेस्ट में है। इसके लिए एक पुली इस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में ही दिखेगा, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो यदि हम ट्रेन के अंदर देखते हैं तो क्या मुझे ट्रेन रेस्ट में दिखता है ना, ठीक वही सीन है। इस ऑब्जर्वर के लिए ये पूरा आपका पुल्ली इसके लिए रेस्ट में है, तो इसके लिए रेस्ट में है तो इसको ये दोनों ब्लॉक कुछ और दिखेगा, इससे कुछ और दिख रहा है, इससे ये दिख रहा है कि दोनों ये ऊपर जा रहा है भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसको क्या दिखेगा उस पर विचार करते हैं। इसको दिखेगा कि ए वाला ब्लॉक ए आपका ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। ऐसे हो सकता है कि इसको ये देखेगा कि ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, ये वास्तव में ऐसा होता है, इसको यही दिखेगा एक ऊपर तो दूसरा नीचे, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए पुली रेस्ट में, यहां भी रेस्ट में था तो इसे ऊपर और नीचे दिख रहा था, और यहाँ आदमी को भी दिख रहा था क्योंकि आदमी भी रेस्ट में था, ये आदमी रेस्ट में था और पुली भी रेस्ट में थी। यहाँ भी देखो आदमी रेस्ट में है तो इसे तो ऊपर दिख रहा है, लेकिन दोनों ऊपर दिख रहा है लेकिन पुली मूव कर रहा है ना, तो इसे एक्चुअल में नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर दोनों ब्लॉक जा कहाँ रहे हैं, लेकिन इससे क्या दिखेगा कि दोनों ऊपर जा रहे हैं। मीन्स जो VA और VB लिखा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा हूँ। अब इसके केस में देखते हैं, ये क्या दिख रहा था कि एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये दूसरा ब्लॉक नीचे जा रहा है। अब ये भी है कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो इससे ये भी दिखता है कि यदि ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि वेलोसिटी, ऊपर कर दे रहा हूं, ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, पुल्ली मीन्स व्हाट, ए पुल्ली वाला ऑब्जर्वर इसको देख रहा है ए को, बराबर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, लेकिन ए ऊपर जा रहा था दूसरा नीचे जा रहा है इस ऑब्जर्वर के लिए, तो मैं साइन माइनस लगा दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, velocity of A with respect to pulley means what, velocity of A minus velocity of P बराबर minus velocity of B minus velocity of pulley। तो फिर इसको सॉल्व करें, VA minus VP is equal to VB plus VP, VP तो इससे क्या आएगा आपका 2VP is equal to VA plus VB, तो आपका आया velocity of pulley is equal to velocity of A plus velocity of B by 2, ये आपका as a formula आ गया। velocity of pulley is equal to velocity of A plus velocity of B by 2, जहां वेलोसिटी ऑफ ए और बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड, और बी भी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब क्या यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो आफ्टर डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2। और यदि मैं इसको यदि इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स पी बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी बाय 2, मीन्स व्हाट,
फुल्ली कितना ऊपर, कितना मीटर ऊपर जाएगा? जितना मीटर आपका ब्लॉक ए गया होगा और जितना मीटर ब्लॉक बी गया होगा, इसके सम का हाफ, हाफ के बराबर आपका पुल्ली ऊपर जाएगा। इस फॉर्मूले से मुझे यही देखने को मिला। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आते हैं और कैसे क्या क्या होता है। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे फॉर्मूला क्या क्या देखने को मिला, Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb बाई टू। इसी से और फॉर्मूले निकल जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वाला और आपका ये एक्सेलरेशन वाला। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपका ब्लॉक एक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, एक पुल्ली आपका चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ए चल रहा है आपका 5 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि इसका स्पीड क्या होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे रहेंगे तो आ जाएगा, रखो आप लोग भी देखते हैं। आप फॉर्मूला क्या है, Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb बाई टू विथ साइन के साथ। तो Vp ऊपर है तो मैं प्लस लूंगा, कितना लूंगा 2, और Va 5, और इसका मुझे पता नहीं तो मैं x मान ले रहा हूं अभी, और बाय 2। तो इससे x मान कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 4 माइनस 5 मीन्स x इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, -1 मीटर पर सेकेंड। मीन्स व्हाट, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि ब्लॉक नीचे जा रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये आपका 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो क्वेश्चन है कि ये वीपी क्या होगा? वेट, सही है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये दिया है, दिया है, तो वीपी क्या होगा? तो वीपी इक्वल टू क्या होता है, वीए प्लस वीबी बाई टू। तो वीए और वीबी दिया है, ये 6 ए 2, ये आपका 6 प्लस 2 बाई 2, तो कितना आया 8 बाई 2, मीन्स व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका पुल्ली किस स्पीड से आ रहा था, 4 मीटर पर सेकेंड से, पॉजिटिव साइन मीन्स अपवर्ड जा रहा है। फिर और क्वेश्चन, टेन मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन यह है कि इसका स्पीड क्या होगा, मीन्स इस ब्लॉक का स्पीड क्या होगा, इस पॉइंट का स्पीड क्या है, या इस साइड वाले स्ट्रिंग का स्पीड क्या है, 0, और इसका 10 दिया है, इसका पूछ रहा है। तो फॉर्मूले को जस्ट रखो, Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb बाई टू। Vb मुझे पता है कितना, 10, और Va कितना है, 0, और Vb मुझे पूछ रहा है, तो 0 प्लस Vb बाई टू, तो यहाँ से Vb मुझे निकल जाएगा कितना आएगा, 20 Vb, मीन्स वॉट 20 मीटर पर सेकेंड। तो ब्लॉक B का स्पीड आ गया ना, पॉजिटिव साइन मीन्स वॉट अपवर्ड, 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। अब सेकेंड फॉर्मेट के क्वेश्चन के लिए मैं फर्स्ट फॉर्मेट के क्वेश्चन को मर्ज करूंगा, अब थोड़ा टेढ़ा करूंगा क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं, Thank you.
इधर जा रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एंगल है आपका 45। तो क्वेश्चन है कि इस ब्लॉक का स्पीड क्या होगा, ये मान लो VB है और इसका स्पीड आपका VB है, तो ये कितना होगा। आइए, इस फोर व्हीलर का स्पीड कितना दिया हूं, 10। तो क्या जो स्ट्रिंग का स्पीड होगा, क्या इस पुली का भी स्पीड वही होगा क्या, क्योंकि ये स्ट्रिंग इस पुली से जुड़ा है, पुली से जुड़ा है, तो क्या होगा, मैं स्ट्रिंग का स्पीड फाइंड करूंगा, तो ये मुझे 10 पता है, तो क्या ये आपका 45, तो अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड क्या होगा, 10 cos 45, तो कितना आएगा, 10 × 1/√2, तो कितना आएगा 10/√2 मीटर पर सेकेंड इस स्ट्रिंग का स्पीड आ गया। तो क्या ये भी चल रहा होगा क्या ऊपर 10 by √2 मीटर पर सेकेंड से, 10 by √2 मीटर पर सेकेंड से भी क्या आपका अपवर्ड जा रहा है। तो मुझे पुल्ली का पता हो गया, इसका पता करना है और इसका जीरो है, तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे सीधा, आपका वी पी इक्वल टू क्या होता है, वी ए प्लस वी बी बाई टू, और वी पी कितना आ गया 10√2, 10/√2 इक्वल टू वी ए जीरो और वी बी मुझे फाइंड करना है और बाय टू, अभी भी फाइंड करते हैं देखते हैं, तो कितना होगा उधर, ए रूट टू से रूट कटा, तो कितना आ जाएगा आपका 10√2 जीरो प्लस वी बी, तो वी बी आपका आ गया, वी बी कितना आया 10√2 मीटर पर सेकेंड, मींस व्हाट, ए बी अपवर्ड जा रहा है आपका 10√2 मीटर पर सेकेंड से। और बस एक क्वेश्चन कराऊंगा इससे, उसके बाद थर्ड फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। आइए बस लास्ट क्वेश्चन एक, इसको ब्लॉक को मैं नाम दे रहा हूं ए, ए बी, ए सी और ये आपका डी। मैं इसका स्पीड दे रहा हूं आपका 20 मीटर पर सेकेंड, फिर इसको क्या दे दूं, मैं इसको मैं दे दूं 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका मैं स्पीड दे रहा हूँ आपका ए 5 है, इसको मैं इसको ऊपर ही कर दे रहा हूँ आपका 3 मीटर पर सेकेंड, इस ब्लॉक को इसका मैं 5 दे दिया। क्वेश्चन ये है कि इस ब्लॉक ए का स्पीड क्या होगा, वी ए कितना होगा, ब्लॉक ए का स्पीड क्या होगा, ये सॉल्व करते हैं इसको। ए 20 दिया है, तो क्या ए भी पुली 20 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड आएगा क्या, ये वाला 20 मीटर पर सेकेंड, मुझे ए पता है, ए पता है, तो इसका स्पीड निकल जाएगा पुली का। अब देखते हैं इसका स्पीड क्या है, इस पुली का, इस पुली का स्पीड फाइंड करते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ए 3 है, ए 5, क्वेश्चन क्या होता है, वीपी इक्वल टू 3 + 5 / 2, तो वीपी कितना आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, मीन्स ये पुली भी कितना जा रहा है ऊपर, आपका 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो इसका पता हो गया, इसका पता हो गया, अब इसका निकाल सकते हैं ना हम लोग, इसका इसका निकालते हैं, तो वही फिर फॉर्मूला लाएंगे इसके लिए, इसके लिए इसका मुझे पता है, इसका पता है, इसका निकालते हैं, इस पुली का स्पीड क्या है, तो ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ए पुल्ली,
तो VP कितना इधर 20, इसका प्लस इसका, इसका प्लस इसका बाई टू, तो उसका 4 है, उस वाले का 4, और इसका मुझे नहीं पता तो मैं V मान ले रहा हूँ डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से V निकाल दो, कितना आएगा आपका 40 माइनस 4 36, तो V आएगा आपका 36 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आइस मीन्स क्या, ये भी अपवर्ड जा रहा है, ये वाला 36 मीटर पर सेकेंड से। तो ए मुझे पता हो गया, इसका पता ही है शून्य है, तो इसका निकाल लेंगे अब। इस पुली की बात करेंगे, पूरा इस सिस्टम की बात करेंगे अब, तो क्या होगा देखो आप लोग। VP मीन्स व्हाट 36, यहाँ पे VP क्या है 36, ए इसका प्लस इसका बराबर इसका प्लस इसका बाई टू, तो इसका 0 है, उसका कितना है आपका मुझे नहीं पता, VA और बाई टू, तो VA यहाँ से फाइंड हो जाएगा, कितना आएगा VA, VA इक्वल टू आपका आएगा 72 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव मीन्स क्या, अपवर्ड, ए ब्लॉक ए जाएगा आपका 72 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। बस आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी आपका थर्ड फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल से अपना प्यार बनाए रखें, खूब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।